Namaskar! This is Priyadarshan, and you're welcome in the State Council of Educational Research and Training. Dear students, in the previous class, we began with "Animals in Prison," written by Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister of our great country so <coughs> in that previous lesson we discussed the introductory part of the lesson that how jawaharlal nehru came close to different kinds of insects animals in his prison there in dehradun the prison in which he was kept so <coughs> different sort of animals of course like lizards, wasp, hornets he came close to that we had already discussed these things in our previous class प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो इससे पहले की क्लास में पाठ थ्रू किए थे उसका नाम एनिमल्स इन प्रिजन था और उसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं <coughs> उस पाठ में हम लोगों ने शुरू के कुछ पैराग्राफ्स को पढ़े थे जिसमें हम लोगों को ये जानकारी मिली कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के संपर्क में आए जब वो दे, देहरादून के कारावास में बंदी थे आफ्टर no? <coughs> पंडित नेहरू ऑल्सो एक्सप्लेन्स हिज एक्टिविटी हिज एक्सेस हिज प्रिविलेज पंडित नेहरू उनके पास या उनको क्या क्या सुविधाएं थी जेल में जेल की जिंदगी कैसी थी इन सारी बातों पर भी वो प्रकाश डालते हैं इनफैक्ट ही इम्फेसाइज दैट इवन अ ब्रीफ अ शॉर्ट प्रिविलेज नो अ स्मॉल वन दैट गिव इमेंस अमाउंट ऑफ प्लेजर टू हिम एक छोटी सी भी सुविधा जेल में एक छोटी सी छूट उनको अनंत आनंद दिया करती थी अब जिस तरह से वो कहते हैं कि वेन ही गॉट द permission टू हैव वॉक इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग नो आउटसाइड द जेल दो वेरी मच विद इन द compound ऑफ जेल जैसा वो बताते हैं कि जब वो छोड़ी, थोड़ी सी छूट उनको जब मिली या उनके जैसे जो भी कैदी थे उनको कि जेल में ही जेल के कंपाउंड में ही लेकिन उस सेल से बाहर उस प्रिजन सेल से बाहर जब उनको सुबह में थोड़ा घूमने का मौका मिलता था शाम को घूमने का मौका मिलता था तो उससे उनको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था आनंद के स्रोत थे कि क्योंकि देहरादून अभी उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और उसके बाद से पहाड़ी इलाका शुरू होता है तो अद्भुत पहाड़ों का दृश्य सड़कें लोग ये सारे जब सामान्य ज़िंदगी को दूर से जब वो देखते थे तो उनको स्वाभाविक है कि जो भी कैदी होंगे जेल में जो यातनाएं झेल रहे हैं स्वाभाविक है कि ये सारे दृश्य ये सारे छठा आनंद का स्रोत अवश्य होगा तो पंडित नेहरू ऑल्सो एन्जॉयड ऑल दिज सीनरीज ऑल दिज ब्यूटीज़ नो ऑल द पीपल आउटसाइड एंड द ब्यूटी हियर ऑफ हिच पर्सनैलिटी इज दैट पंडित नेहरू of course he developed a kind of intimacy with all these insects with all these creatures isn't but <coughs> not only this the important thing to understand here that one must need to develop keen observation of the surrounding <coughs> one thing which we come to learn here that happiness or pleasure you know इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट इट कम्स फ्रॉम वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स और द थिंग्स विच आर वेरी फार फ्रॉम अस इवन वन कैन कल्टीवेट हैपीनेस वन कैन कल्टीवेट प्लेज इन द सराउंडिंग ऑल्सो एंड दैट इज रियली द रिजल्ट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन तो प्यारे बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट बात है जहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कीन ऑब्जर्वेशन, एक सूक्ष्म दृष्टि एक ये ऐसी दृष्टि ये सूक्ष्म दृष्टि अपनाने के ये फायदे होते हैं कि हम खुशी आसपास के मौजूद चीज़ों से ही ढूंढ लेते हैं और वह हमारे आनंद वह हमारे आनंद का स्रोत बनता है खुशी का स्रोत बनता है एंड दिस इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ़ अ साइन ऑफ ग्रेट पीपल और यह जो महान लोग हुए हैं उनके ये सिंबल हैं उनके ये साइन हैं उनकी ये पहचान है कि वो आनंद कहीं और से नहीं ढूंढते हैं अपने आसपास से ही ढूंढते हैं एंड दिस इज वाट पंडित नेहरू डिड इन प्रेजेंट सेल देयर इन देहरादून एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास इट सेल्फ दैट द राइटिंग्स ऑफ नेहरू is very lucid in fact the way he writes prose is you know very akin to poetic writing unki jo gaddi likhne ki jo sali hai hai or therefore the writing becomes very interesting once you start you would like to finish that writing so this part the chapter which we are reading animals in prison इज एन एक्स्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी यह जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं यह उनकी आत्मकथा से ली गई है और जैसा कि मैंने बताया कि उनकी राइटिंग उनकी लेखनी काव्यात्मक है गद्य की भी रचना वो काव्यात्मक तरीके से करते हैं इसका परिणाम यह होता है कि रचना बहुत ही ज़्यादा मोहक आनंददायक और पढ़ने में मज़ेदार होता है सो दिस इज हाव जवाहरलाल नेहरू राइट्स एंड इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहें तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ आवर ग्रेट नेशनल पोएट रामधारी सिंह दिनकर एंड ही हैज़ रिटन अ वेरी ब्यूटिफुल बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज लोक देव नेहरू आप राष्ट्रकवि दिनकर का नाम अवश्य ही सुने होंगे और उन्होंने एक बहुत ही नायाब बहुत ही बेहतरीन बहुत पुस्तक वैसे यह किताब आलोचनात्मक भी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है रोचक है और उस किताब का टाइटल शीर्षक है लोक देव नेहरू सो वेन एवर यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी जब भी आपको अवसर मिले आप इन किताबों को जरूर पढ़ें इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग फर्स्ट एंड रिएक्ट समथिंग लेटर पहले जाने फिर विश्वास करें फिर मानें तो इस क्योंकि This age of ऑफ uh, school, no, this school age, student age is very much experimental in nature. बच्चों का जो जीवन होता है जो छात्र जीवन है वह प्रयोगात्मक जीवन है तो प्रयोग करें प्रयोग के तौर पर पहले पढ़ें और फिर रिएक्ट करें फिर जान पहले जाने फिर माने let us see the next part, the next chapter, next paragraph of this story, animals in prison.

अकेला होता है लोनली होता है सो सोलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज गॉन विंग ऑन तो एक बादलों का भी झुंड बादलों का एक बादल का भी समूह बिल्कुल अकेला बहुत दूर भटकते हुए चला गया है एंड आई सिट अलोन विथ चिंग टिंग पीक और मैं अकेले इस चिंग टिंग पीक पर बैठा हुआ हूँ टावरिंग बियॉन्ड जो बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचा है वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई हम कभी एक दूसरे से थकते नहीं और वो एक दूसरे कौन है तो पंडित नेहरू हैं और वह पहाड़ है सो दिस इज़ हाउ इन दीज फोर पोएटिक लाइन्स जवाहरलाल नेहरू इज एक्सप्रेसिंग इन अ सेंस डियर स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड that he has encapsulated you know, the entire scenario, whether that is physical or emotional, in these four lines. <coughs> the way he is say saying that those flock of birds, you know, they have gone far beyond very high. there is a mountain and he. and the last two lines, it tells us that pandit nehru has developed Course, a kind of intimacy, a kind of friendship, a kind of relationship with, these, with this mountain. <coughs> so, in a sense, when someone is kept in a prison, so he is not given only physical pain, but he also faces a torrent of emotional suffering, emotional pain. कैद खाने में बंद किया जाता है तो उसे सिर्फ शारीरिक यातनाएं ही नहीं दी जाती है उसे मानसिक यातनाओं के दौर से भी गुजरना पड़ता है इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इस खास परिस्थिति में आखिर एक इंसान करे तो क्या करे उसके पास बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं बहुत कम ऑप्शंस होते हैं ही इज बाउंड टू लिव विद इन दैट स्मॉल सेल उस छोटे से सेल में उसे रहना है He is not allowed to meet frequently the people. He is not allowed to see the outside world. He is not allowed to meet his own relatives. He is not allowed to even cherish the good food, <coughs> relish the good food. यहाँ तक कि वो अच्छे भोजन भी नहीं कर सकता है अपने सखा बंधु मित्र उनसे भी नहीं मिल सकता है बाहर की दुनिया को देख नहीं सकता है तो आखिर वह बंदी करे तो करे क्या करे तो पंडित नेहरू एज ए शेड्यू इन द वेरी बिगनिंग ही इज अ कीन ऑब्जर्वर ही इज एन इरूडाइट पर्सनैलिटी वह एक विद्वान उनका व्यक्तित्व विद्वता से परिपूर्ण है वह एक कीन ऑब्जर्वर भी हैं बड़े गौर से सूक्ष्म दृष्टा जिसको आप कहें वो भी हैं तो उन्होंने एक ढंग की अंतरंगता उन पहाड़ों से वहाँ उस सेल में मौजूद जीव जंतुओं से उससे एक नाता जोड़ लिया है एक अंतरंगता जोड़ लिया है एक घनिष्ठता हो गई है और वो उसी के साथ उसी के सहारे सोचते हैं जीते हैं समझते हैं सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ आई एम आफ रेड आई कैनॉट से विद द पोएट आफ्टर राइटिंग दोज फोर पोएटिक लाइन्ट्स उन चार पोइटिक लाइन्स लिखने के बाद पंडित नेहरू कहते हैं कि आई एम अफ्रेड आई आई कैनॉट से विद द पोइट कि मुझे इस बात से डर लगता है मैं उस पोएट के बारे में नहीं कह सकता हूँ और ये जो पोइट जिसका नाम वो ले रहे हैं उनका नाम है ली ताई पो ली ताई पो एक एंशियंट चाइनीज पोइट एंड ही इज ग्रेटली रिवर्ड इन द चाइनीज कल्चर इन द चाइनीज सोसाइटी चाइनी चीन के संस्कृति में चीन की चीन के समाज में इस पोइट का बहुत बड़ा ऊंचा नाम है इनका दर्जा बहुत ऊंचा है तो ये कहते हैं कि आम ऑफरेट आई कान सेव द पोइट ली तई पो दैट आर ने ग्रीव वैरी मैं ये नहीं कह सकता ये कह रहे हैं पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इन चीज़ों से उबता नहीं मैं इन चीज़ों से थकता नहीं इवन ऑफ द माउंटेंस जहाँ तक पहाड़ों की भी बात क्यों न हो कोई भी उग सकता है एक लगातार किसी एक चीज़ के साथ आप रहें सालों दर साल तो स्वाभाविक है थकना स्वाभाविक है उगताना बट दैट वॉज अ रेयर एक्सपीरियंस लेकिन वो कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस बड़ा रेयर है बड़ा अद्भुत है एंड एज अ रूल और नियम के अनुसार आई फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन इट्स अप्रॉक्सीमिटी और एक रूल के हिसाब से इनके आसपास इनके नज़दीक रहने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है आराम मिलता है इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक्ड डाउन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स इस इसकी सॉलिडिटी दृढ़ता और जिस तरह से यह शांत है तो आप यूं कहें कि यह हमें सहसरों वर्षों के बुद्धिमता को प्रदान करती है उस निगाह से देखती है एंड मॉकड एट माई वेरिंग मूड्स एंड सूथ्ड माई फ्यूवर्ड माइंड एंड मॉकड एट माई वेरिंग मूड्स और जब मैं कभी बेचैन होता हूँ कभी परेशान होता हूँ या जो मूड स्विंग होता है मन का चित का बदलना मन का बदलना तो इसका वो मजाक उड़ाता है एंड सूथड सूथड का मतलब प्यारे बच्चों शांति देना होता है शीतलता प्रदान करना होता है तो मेरे बेचैन चित्त को मेरे परेशान चित्त को यह शांत करती है सो दिस इज वाट माई डियर स्टूडेंट्स पंडित नेहरू हैज़ एक्सप्लेन हैज रिटर्न फर्स्ट दोज पोइट्रिक लाइन्स एंड द आफ्टर ही इज एक्सप्लेनिंग एंड ही इज संग दैट इट्स ट्रू दो हिज ओनली कंपेनियंस देर इन द देहरादून जेल is that mountain that outside sc scenery certain creatures animals but they are now limited and pandit nehru says that of course at times it m makes him weary but of course he tells that it is the only source of comfort for him and whenever

अशांत चित्त कह सकते हैं नो एक किस्म की बेचैनी तो ये कहते हैं कि और दूसरा जो इसमें वर्ड था वो शूथ था मतलब शांत करना शीतल करना सकते हैं टू कंफर्ट टू काम ये जो पहाड़ों की छटा वहां के दृश्य इनके बेचैन इनके बेचैन चित्त को अशांत मन को शीतलता प्रदान करती है सो नाउ दिस मच इज सर्टन दैट आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ वी कैन टू अंडरस्टैंड दैट दीज दो लिमिटेड सोर्सेस they are sufficient to comfort Jawaharlal Nehru to calm his restless mind and of course it's a source of it's a great source of his comfort it's a great source of his pleasure so this is what we studied in this paragraph let us see the next one <coughs> a spring was very pleasant in dehradun स्प्रिंग भला कौन नहीं जानता होगा आप इसे पूरी तरह से परिचित हो जिसे आप बसंत कहते हैं तो स्प्रिंग वाज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून या बसंत का महीना देहरादून में बहुत ही आनंददायक होता है एंड इट वाज अ फा लॉन्गर वन देन इन द प्लान्स बिलो और इंटरेस्टिंग बात यह कि मैदानी हिस्सों में यह उतना बड़ा नहीं होता लेकिन पहाड़ों में बहुत बड़ा इसका मौसम द विंटर हैज डे न्यू डेट डे डेट इस वर्ड को देखें डे न्यू डेट स्ट्रिप्ट जिसको आप कहते हैं टू मेक समथिंग नो नेकेड लाइक दैट सो नग्न निर्वस्त्र करना नग्न करना स्ट्रिप्ट ऑफ है सो विंटर हैज डेडेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लीव्स और सर्दी में जाड़ों में ये सारे वृक्ष बिल्कुल यूं समझें कि नग्न हो गए कहने का ये मतलब है इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं एंड दे स्टूड वो बिल्कुल नग्न या निर्वस्त्र ऐसे मानो खड़े हैं इवन फो मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज यहाँ तक कि जो बहुत ही शानदार पीपल के पेड़ हैं चार हुई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट नहीं जो चार बहुत ही शानदार मैग्निफिसेंट का मतलब बच्चों शानदार होता है बहुत ही खूब बहुत ही शानदार मजेस्टिक कह सकते हैं स्प्रॉलिंग कह सकते हैं ये जो पीपल के पेड़ हैं हुइ स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट जो जेल गेट के ठीक बाहर है अब यहाँ जरा देखें जो वर्ड है जेल इसका स्पेलिंग देखें तो स्पेलिंग है जी एल <coughs> जो वर्ड जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसको अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो ये गेओल जैसा दिखता है नहीं लेकिन ये गेओल है नहीं इसको ब्रिटिश लोग जेल ही पढ़ते हैं जेल ही पढ़ते हैं जस्ट द स्पेलिंग इज डिफरेंट नो द लेटर्स आर डिफरेंट बट दे रीड इट्स जस्ट लाइक जेल तो इसे जेल ही पढ़ें दो देर इज़ नो एनी रूल और लॉजिक बिहाइंड इट इसके पीछे कोई रूल नहीं है अब ये उन लोगों ने समझा द ब्रिटिश दे थाट टू लुक डिफरेंट थोड़ा अलग दिखना चाहते थे दे वॉन्टेड टू मेक द वर्ड प्रोनाउंस इन ए स्टाइल तो स्टाइलिश प्रोनाशन के लिए लिखा तो उन्होंने कुछ और लेकिन पढ़ते उसे जेल ही है सो इवन फोर मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज हुइच आटूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट मच टू मच सरप्राइज जो इनको आश्चर्यचकित करता है ड्राफ्ट नियरली ऑल देयर लिप्स चार विशाल पीपल के पेर जो जेल गेट के ठीक सामने है सारे पत्ते उसके झड़ चुके हैं गिर चुके हैं गोंट एंड चीयरलेस इस वर्ड को भी देख अच्छा वर्ड है गोंट जी एन टी गोंट का मतलब बच्चों थिन कहें फिवल कहें वीक कहें तो और हिंदी में एक शब्द काफी है। कमजोर तो गोंड का मतलब दुबला पतला तो पेड़ के पत्ते इस तरह से झरे इस तरह से गिरे दिखते हैं बिल्कुल कमजोर सा दुबला पतला सा दिख रहे हैं एंड चीयरलेस और उनमें कोई चीयरलेसनेस नहीं है कोई खुशी नहीं है एक ढंग का यूं कहें कि वो निराशापन को शो कर रहा है निराशापन को प्रदर्शित कर रहा है सो गॉन्ट एंड चीयरलेस दे स्टूड दे बिल्कुल दुबला पतला और दुखी ऐसा दिख रहे हैं टिल द स्प्रिंग एयर वार्म अगेन एंड सेंट अ मैसेज ऑफ लाइफ टू देर इनर मोस्ट सेल्स और ये स्थिति तब तक होती है जब तक बसंत नहीं आ जाता है बसंत के आते ही मानो बसंत आते ही इनके जीवन में या इन पैरों में एक जीवन का संदेश भेजता है इनकी कुछ में सडनली देर वॉज एस्टिड बोथ इन द पीपल्स अचानक यूं समझो कि जीवन दौड़ पड़ता है एक किस्म का स्पंदन शुरू हो जाता है इन पैरों की जिंदगी में सो सडनली देर वॉज अ स्ट स्पंदन बोथ इन द पीपल्स एंड द अदर ट्रीज दूसरे पेड़ों में भी जीवन मानो आसी जाती हो एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड डैम और एक रहस्यमयी वातावरण से या एक रहस्यमयी हवा इसे घेर लेती है सराउंडेड डैम एज ऑफ सीक्रेट ऑपरेशन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स जैसा कि माने कि बिल्कुल एक सीक्रेट ऑपरेशन इन सब के पीछे चल रही हो प्रकृति का सीक्रेट ऑपरेशन है परमात्मा का सीक्रेट ऑपरेशन है यह एंड आई बी स्टार्टल टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पिपिंग आउट ऑल ओवर दैम और पंडित नेहरू कहते हैं कि इनको बड़ा आश्चर्य होता है और यह आश्चर्य सुखद है कि छोटे छोटे कोपल छोटी छोटी कलियाँ जिसको जो गौर से दिखने पर ही पता चलता है इनके सभी शाखाओं से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं इट वॉज अ गे इन चेयरिंग साइट अब यहां देखें वर्ड गे गे का मतलब यहां ज्वाईफुल है ज्वाईफुल hmm? आनंददायक रोचक मनोरंजक तो यह दृश्य अद्भुत है पंडित नेहरू को आनंद देता है एंड आई स्टार्टल रिफाइन लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पिपिंग आउट मानो देख रहे हो झांक रहे हो छोटे छोटे तीन के जैसे आउट ऑल ओवर डैम इट वॉज अ गे एंड चेयर इट चेयरिंग साइट यह बड़ा ही मोहक दृश्य है एंड देन वेरी रैपिडली और उसके बाद बहुत तेजी से द लीव्स शुड कम आउट इन दियर मिलियंस लाखों में छोटी छोटे छोटी छोटी पत्तियां आते हैं एंड ग्लिस्ट चमकते हैं इन द सनलाइट सूरज की प्रकाश में रोशनी में चमकते हैं एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज और हवाओं में झूमते हैं हवाओं में खेलते हैं हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम बर्थ टू लीफ यह सडन चेंज यह अचानक परिवर्तन कली से पत्तों में यह सफर जो कली से शुरू होता है और पत्तों तक जाता है कितना मोहक है कितना रोचक है सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड दैट नेहरू ऑज ऑफ कोर्स He developed a kind of intimacy with different insects, creatures in his cell. But here, what we find a different of, dimension of Nehruj observation. hai. Now he is describing the trees, no? the trees which have shed their leaves. जिनके जिनकी पत्तियाँ या जिनके पत्ते गिर चुके हैं झड़ चुके हैं एंड दे लुक लाइक नो सम्रिप्ट ऑफ वो बिल्कुल नग्न दिखते हैं वहाँ और उस पैरों के बारे में वो ये भी कहते हैं दे ऑल्सो लुक गॉन्ट जो बिल्कुल दुबले पतले और निर्वस्त्र दिखते हैं एंड द आफ्टर हाउ द स्मॉल बर्ड्स नो हाउ द स्मॉल लीव्स they come up and how beautiful the scene is how cheerful the scene is no it's so it becomes or it provides or it gives a great source of no or it gives no immense amount of happiness to pandit nehru Or say nehru ji ko bahut milti hai so what we find he is not only अ कीन ऑब्जरवर ऑफ क्रिएचर्स और इंसेक्ट्स बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर द वे ही हैज़ डिस्क्राइब द ट्री जिस तरह से प्रकृति का वो अवलोकन करते हैं सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो ये हमें दिखाता है कि वह प्रकृति प्रेमी भी है एंड लेटर ऑन वेन यू विल हैव समॉर्चुनिटी यू कैन रीड नो When you read the discovery of India, you will find how beautifully he has described the great Ganges. So, dear children, <coughs> we have uh, started when Nehru was imprisoned in the Dehradun jail, in Dehradun prison, how difficult the life was there, how Intimate he became with the creatures, you know? which kind of freedom he was having there, even though the permission to walk in the morning and in the evening in the area of 100 yards, it gave him great happiness. The, when he used to see the mountains beyond the compound of the jail, moving people. Different sort of things, So they all were the source of happiness for Pandit Nehru. Thereafter, he describes you know, the weather, the season. He talks about autumn, when all the trees they shed their leaves, the spring, which brings back life you know, to all these creatures, trees, insects. So how a great observer, Pandit Nehru, is of nature this is the moot point here and how one can create you know one can cultivate happiness even in a prison cell so this is also we have learnt here hopefully you must have enjoyed this part we shall continue the same lesson very shortly till then goodbye established namaskar